सच साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। प्राइम डिबेट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देश की राजनीति में हलचलें लगातार जारी है और हलचलों के बीच में लगातार बयानबाजी का दौर भी जारी है। यहां पर सभी लोग 2024 के चुनाव में बेहतर प्रदर्शन की बात कर रहे हैं। प्रदर्शन कैसा होगा, तैयारी कैसी होगी, रणनीति क्या होगी, इसको लेकर लगातार बैठकों का दौर भी जारी है और लगातार कार्यकारिणी बैठकों का दौर भी जारी है। अभी हाल में हमने देखा पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में सपा प्रमुख अखिलेश यादव के द्वारा राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक का आयोजन किया। दो दिन बैठक रही और बैठक के माध्यम से तमाम बिंदुओं पर चर्चा हुई। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि विपक्ष भी आज दोफाड़ होता नजर आ रहा है कि यहाँ पर कहा जा रहा है कि अखिलेश यादव, ममता बनर्जी, एमके स्टालिन, केसीआर और तमाम लोग मिलकर एक साथ विपक्ष का एक नया चेहरा बनेंगे, तो वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी और तमाम बड़े नामों को यहाँ पर तरजीह नहीं दी गई। कहा गया कांग्रेस समेत तमाम बड़े दल हैं वो अपनी अपनी स्थिति को अलग मजबूत करें, वो दिखाएं कि कांग्रेस शासित राज्यों में कहां पर कांग्रेस मजबूत है और कांग्रेस यहां पर अलग व्यवस्था के साथ चले। खैर, यहां पर जिस तरह से कांग्रेस को अलग करके अलग सोच के साथ अखिलेश यादव, ममता बनर्जी और तमाम नेताओं के बयान आ रहे हैं, इस पर स्पष्ट हो चुका है कि चुनौती तो बीजेपी के लिए बनने जा रहे थे, पर फिलहाल वो विपक्ष यहाँ पर दोफाड़ हो गया है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश के रास्ते ही केंद्र की कुर्सी जाती है, उसको लेकर लगातार गतिरोध भी बना हुआ है, बयानबाजी बनी हुई है और बन रही है लगातार रणनीति। और रणनीति की इंतहा इतनी कि यहाँ पर सभी दल बोलते हैं कि हम 80 में 80 सीटें जीत रहे हैं। जीतता कौन कितना है जनता जनार्दन जानती है और जीतेगा कौन कितना ये तो आने वाले समय में पता चल जाएगा। पर चूंकि उत्साह, ताकत और रणनीति की इस तरह मेलजोल चल रहा है, मिश्रण चल रहा है कि सभी पार्टियां यहाँ 80 सीटों का दावा करती है। खैर, अगर बात करें 19 के चुनाव की तो बीजेपी को 11 सीटें हासिल हुई। सपा की, बसपा की, कांग्रेस की स्थिति सबको पता है। हालांकि बसपा और सपा के गठबंधन से यहां पर बसपा को खासा लाभ हुआ था। पर इसके अलावा अगर हम बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण बात यहां पर यह भी है कि चर्चा यहां करते हैं बातों की, पर यहां पर जो बयानबाजी है वो ये आ रही है कि अखिलेश यादव भी खुल चुके हैं कि 80 सीटें हम जीतने जा रहे हैं, गठबंधन के साथ चुनाव लड़ेंगे, किसको कितनी सीटें मिलेंगी उनके सहयोगी दलों में ये तो आने वाले समय में स्पष्ट हो पाएगा, भविष्य के घर में निहित है। पर अखिलेश यादव का कहना है कि हम 80 सीटों में से 80 सीटें जीत रहे हैं और बीजेपी का यहाँ सुपड़ा साफ होने वाला है। तो वही बीजेपी का कहना है कि बातें हैं, बातों से कुछ नहीं होता है और जैसा प्रदर्शन हमने विधानसभा चुनाव में किया था वैसा ही प्रदर्शन यहाँ भी दोहराया जाएगा। पर सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पर यह है, गौर करने वाली बात है कि तमाम बातों के बीच हम अपने जो देश की जनता है, जो हमको जनाधार देती है, जो हमको कुर्सी पर बैठाती है, जो हमको नेतृत्व करने का मौका देती है, जो हमको शासन चलाने का मौका देती है, उसी जनता के मुद्दों को भूल जाते हैं। और केवल यहाँ नहीं, ये प्रदेश की राजनीति में नहीं बल्कि देश की राजनीति में भी लगातार घटित हो रहा है कि जहाँ पर लोकसभा और राज्यसभा का सत्र नहीं चलने दिया जा रहा है वहाँ पर बवाल जारी है। कांग्रेस और भाजपा वहाँ पर लड़ रहे हैं, एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं और जनता भी जानती है कि फिलहाल दोनों पार्टियाँ अलग अलग मुद्दों को लेकर बैकफुट पे हैं और फिलहाल यहाँ पर केवल आक्रमण करके, बयान देकर, बवाल कर जनता को गुमराह किया जा रहा है। जहीं भाजपा अगर बात करें तो वो राहुल गांधी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में दिए गए बयान को लेकर कांग्रेस पर हमलावर है और कह रही राहुल गांधी माफी मांगे, तो वहीं कांग्रेस लगातार जेपीसी की मांग को लेकर और अडानी हिंडनबर्ग रिपोर्ट को लेकर बीजेपी को घेरते का प्रयास कर रही है। पर फिलहाल दोनों पार्टियां यहां पर एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर करके लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई को चलने नहीं दे रही। सत्ता पक्ष का कहना है कि हम बात करते हैं, बुलाते हैं, चर्चा करते हैं, मीटिंग करते हैं और सभी दलों को बुलाते हैं, कहते हैं कि लोकसभा की कार्रवाई होने दीजिए। जगदीश धनखड़ ने आज मीटिंग की, उसमें भी विपक्ष के नेता नहीं पहुंचे। कहीं ना कहीं जो विपक्ष की भूमिका है वो यहाँ पर निभाने की बहुत जरूरत है, क्योंकि अगर हम बात करें भूमिका की तो विपक्ष की भूमिका जब भाजपा केंद्र में नहीं थी, जब 2004 से 2014 तक मनमोहन सरकार यानी कांग्रेस सरकार रही थी, तब भारतीय जनता पार्टी एक मजबूत विपक्ष के रूप में सामने आई थी। हमने देखा था कि महंगाई, तेल, सिलेंडर जैसे तमाम मुद्दों पर उनकी नेता स्मृति ईरानी आलू और प्याज की माला पहनकर और सिलेंडर को रोड पर लेकर उतरती थी और संघर्ष करती थी। फिलहाल वो संघर्ष अभी तक विपक्ष की पार्टियों में नजर नहीं आया, शायद यही कारण भी है कि बीजेपी लगातार यहाँ दूसरी बार सरकार बना के बैठी हुई है। अगर संघर्ष नहीं करेंगे, धरातल उतरेंगे नहीं, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर आपको नुकसान भी होगा। जनता जनाधार उसी को देती है जो लगातार जनता के बीच जाता है, मेहनत करता है। फिलहाल चूंकि यहाँ पर बात बयानों की चल रही है, बयान क्या होते हैं और बयान की ऊर्जा क्या है और बयान के पीछे मंतव्य क्या है, बयान का मुख्य उद्देश्य क्या है, बयान का होना क्या है,
ये भी महत्वपूर्ण होता है। केवल बयान से यहाँ काम नहीं चलता है, अगर वास्तव में 80 में 80 सीटें निकालना चाहते हैं तो उसके लिए संघर्ष करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। क्योंकि उत्तर प्रदेश जहाँ पर हृदय की बड़ी भूमिका है, यहाँ पर्वों की भूमिका है, या धर्म की भूमिका है, भक्तिभाव की भूमिका है, सामाजिक सौहार्द की भूमिका हो, यहाँ पर अगर 80 सीटें निकालनी है तो अपने आप में एक बहुत बड़ा बदलाव करना होगा। फिलहाल ये बदलाव अभी किसी पार्टी में नजर नहीं आ रहा है। फिलहाल कुछ महत्वपूर्ण बयान को जरूर आगे बढ़ाते हैं। सबसे ज्यादा महंगाई है, सबसे ज्यादा अन्याय हो रहा है, और जो दल उनके खिलाफ दिखाई दे रहा है उसके ऊपर ईडी सीबीआई है, इनकम टैक्स। इसलिए सभी लोगों ने मिलकर के संकल्प लिया है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी को सभी सीटें हराई जाएंगी। पूरी तरह से व्यवस्था उत्तर प्रदेश से समाप्त हो रही है समाजवादी पार्टी की, और हम लोग 75 से अधिक सीट जीत करके दोबारा प्रचंड बहुमत की सरकार बनाए। वो तो उस समय भी कितनी 400 सीट जीत रहे थे ना, तो वो अब उसी हिसाब से फिर से जीतेंगे, तो उनका तो पता है किस तरीके से बातें करते हैं। वैसे महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ पर हमने देखा अखिलेश यादव भी बता रहे हैं कि हम यहाँ से सीटें जीतने वाले हैं, तो वहीं ब्रजेश पाठक डिप्टी सीएम उत्तर प्रदेश और जेपीएस राठौर सहकारिता मंत्री उत्तर प्रदेश भी ने भी यहाँ पर बयान दिया कि हम यहाँ पर सीटें जीतने जा रहे हैं, 78 से ज़्यादा सीटें यानी 80 सीटों की बात ये भी कर रहे हैं। और जेपीएस राठौर का कहना यह है कि इससे पहले हमारी पार्टी यहाँ सरकार बनाने जा रही थी 2022 में, पर क्या हुआ सबको पता है, पर कहीं ना कहीं हमको ये बात भी याद रखनी होगी कि समाजवादी पार्टी यहाँ पर मजबूत विपक्ष के रूप में उभर कर आई है। कि अगर बात करें 2017 के चुनाव की तो समय वोट परसेंटेज भले ही ज़्यादा नहीं था, बस 47 सीटें लेकर आए थे, इस बार 36% वोट परसेंट के साथ यहाँ पर 111 सीटें लेकर सपा ने स्पष्ट विपक्ष का बहुमत जरूर प्राप्त कर लिया है। जनता ने सरकार भले ही नहीं बनाई, पर जनता ने जनाधार विपक्ष के लायक दिया है, और जिसको लेकर लगातार अखिलेश यादव सदन में बात रखते भी नजर आ रहे हैं और गंभीर नेता की तरह बात भी कर रहे हैं। पर सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पर यह है कि अगर बंगाल में बैठक कर रहे हैं, बंगाल में बैठक करते समय यहाँ चर्चाएं हो रही हैं, यहाँ बातें हो रही हैं, यहाँ व्यवस्थाएं हो रही हैं, ऐलान हो रहे हैं, बयान हो रहे हैं, विरोध हो रहा है, पर इनके बीच में जो एक अहम कड़ी सामने आती है वो आती है कि ब्यो विपक्ष सरकार को यहाँ पर बात करता था कि हम चुनौती देंगे, फिलहाल वही विपक्ष यहाँ पर एकजुट नहीं हो पा रहा है। चर्चा विषय महत्वपूर्ण है, मेहमान जो रिपोर्ट कर रहा हूँ। प्रवक्ता भाजपा से बेबी श्रीवास्तव पर पक्ष रखें, तारिक खान समाज पार्टी पर पक्ष रखें, प्रवक्ता सुभाषपा से अतीक खान अपनी बात रखेंगे, प्रवक्ता रालोर से वेद प्रकाश मिश्रा अपनी बात रखेंगे, और वरिष्ठ पत्रकार आमिर साबरी अपनी बात रखेंगे। आप सभी मेहमानों का कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। तो मेरा पहला सवाल रहेगा वो रहेगा प्रवक्ता रालोर से। वीर भाई, यहाँ पर अखिलेश यादव का बयान है कि सहयोगियों के साथ यहाँ पर गठबंधन के साथ आगे बढ़ेंगे और यहाँ पर जीत कर दिखाएंगे, 80 सीटों की यहाँ बात कही है, बड़ा बयान दिया है। 80 सीटों को जीतना, जीतना कैसे है, रणनीति कैसी है, इतना आसान है क्या? क्योंकि बिहार में विधानसभा चुनाव हुए हैं और उसके बाद जो उपचुनाव हुए हैं वहाँ पर भी बहुत बेहतर यहाँ व्यवस्था नहीं रही है, कैसे देखते हैं आप, कैसे जीत हासिल होगी? और रणनीति है क्योंकि आप सहयोगी दल है सपा के, किस तरह वहाँ पर उनके साथ जाएंगे और कितनी सीटों पर आप भी यहाँ पर अपनी दावेदारी प्रस्तुत करेंगे? जी देखिये गौरव जी, प्रदेश के चुनाव में और देश के चुनाव में बहुत डिफरेंस होता है। अच्छा, प्रदेश का चुनाव अलग है और देश का चुनाव देश के मुद्दों पर होता है। हम समाजवादी पार्टी का सहयोगी दल हैं और जो और हमारी और उनकी रणनीति बनकर के तय हो रही है उसमें निश्चित रूप से हम वो मुकाम हासिल करेंगे जो अखिलेश यादव जी ने बयान दिया है, जहां पर जो उनकी मंशा है, और हमारे माननीय जयंत चौधरी जी के साथ बैठ करके जो रणनीति तय हो रही है, जो रणनीति बन रही है, उसके आधार पर निश्चित रूप से हम भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त देंगे और चुनाव जीतने का काम करेंगे। अच्छा। अभी हाल में अगर आप देख लें जो चुनाव हुआ उसमें भी हमने बढ़त हासिल की, समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल ने चुनाव जीता है जी। तो सीधी सीधी मंशा साफ है कि अब जनता का मन बदल चुका है और वो भारतीय जनता पार्टी को अब सत्ता से बेदखल करना चाहती। अभी एक बयान आपने एक बात कही थी कि सदन लोकसभा और राज्यसभा का नहीं चल रहा है जी। इसके पूर्व में आपने देखा होगा कि सदन को न चलने देने में अधिकांशतः भूमिका विपक्ष की रहती थी कि विपक्ष सदन नहीं चलने दे रहा है, ऐसे आरोप आते थे। लेकिन इस बार इसका उलट हो रहा है कि सदन
सरकार नहीं चलने दे रही है। अच्छा, सरकार ये व्यवस्था बना रही है कि किसी भी दशा में सदन न चलने पाए। अगर सदन चलेगा तो जेपीसी की मांग होगी और अडानी के मुद्दे पर सरकार से जेपीसी बना करके और उसकी जांच के लिए बात कही जाएगी। माननीय प्रधानमंत्री जी से ये पूछा गया था सदन में कि आप बताइए कि आपके और अडानी के रिश्ते क्या आपका और अडानी जी का संबंध क्या है जी। लेकिन आज तक सदन में एक भी बार माननीय प्रधानमंत्री जी या भारतीय जनता पार्टी की सत्ता में बैठे हुए लोग ये अच्छा। बताने को तैयार नहीं है कि हमारा उनका संबंध क्या है। अच्छा, अब वो एक बयान को लेकर के एक पाला खींच करके बैठे हुए हैं कि साहब माफी मांगिए, उसके बाद आगे की बात होगी। अच्छा। तो सदन में आए दिन सरकार हंगामा कर रही है न कि विपक्ष, और विपक्ष को तो अपनी बात कहने का अवसर ही नहीं सरकार दे रही जी। तो जब इस तरीके की गतिरोध पैदा होगा तो उस गतिरोध के आधार पर विपक्ष अपनी भूमिका को कैसे उत्तर प्रदेश की बात भी कर लीजिए, कैसे ऐसी सीट आप बताइए। आप वहां की बात जो हो रही, जो लोकसभा की बात चल रही है इस समय, सदन चल रहा है तो ठीक हो गया, मेरी बात आ गई, मुझे पता है, मुझे पता है। साथ साथ देश की भी चुनाव आने वाला, 80 सीटों पे बात कर लीजिए, 80 सीटें कैसे जीतेंगे, देश का नहीं है बेन भाई, आने वाला जो सपा के सहयोगी दल है, चुनाव है, प्रदेश का चुनाव नहीं है, इसलिए देश के आधार पर लोकसभा और राज्यसभा की बात होनी चाहिए। अच्छा, अब बताइए, अब हम उत्तर प्रदेश की क्या चर्चा आप चाहते हैं हमसे? नहीं, मेरा कह रहा है जो इस तरह बयान बोल रहे हैं कि 80 सीटें जीतने जा रहे हैं, कैसे जीतेंगे, रणनीति क्या है, आप सहयोगी दल है तो आप भी बता दीजिए थोड़ा सा, कंधे से कंधा मिला के चलते हैं आप। देखिए, आप हम कंधे से कंधा मिला करके चल रहे हैं और चलते रहेंगे। चलिए, जो राज बिल्कुल स्पष्ट रणनीति है कि हम उत्तर प्रदेश में एक महत्वपूर्ण विपक्ष की भूमिका अदा कर रहे हैं। अच्छा, और वो अदा करते रहेंगे पश्चिम तक, और जनता के मुद्दों को हम उठा रहे हैं सदन से लगा करके सड़क पर। भाई, हम लगातार विपक्ष की भूमिका पश्चिम तक, केवल रालोट की, क्या रालोट की विपक्ष की भूमिका केवल पश्चिम तक, पश्चिम उत्तर प्रदेश तक बस नहीं। आप बताइए, अभी किसान संदेश अभियान हमने चलाया पूरे उत्तर प्रदेश के 75 जनपदों में। हाँ। क्या केवल वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश था? क्या गन्ना किसानों की बात हम केवल पश्चिमी उत्तर प्रदेश के करते हैं? आलू किसान की बात हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश की करते हैं? हम पूरे प्रदेश की बात करते हैं। तो आपकी पार्टी, आपकी बरसात हुई, आपकी सहयोगी पार्टी सपा के मुखिया, आपकी सहयोगी पार्टी सपा के मुखिया आपको पूर्वांचल लेके क्यों नहीं जाते हैं, वहां प्रचार क्यों नहीं कराते हैं? वो पूर्वांचल, ये आप कैसे कह सकते हैं कि वो हमको पूर्वांचल लेकर के नहीं जाते हैं? मुझे पता है, जिस समय आजमगढ़ में चुनाव हुआ जी, वो आजमगढ़ में जब चुनाव हुआ लोकसभा का, और उस समय पार्टी का कैंडिडेट चुनाव लड़ रहा था जी, हमारे मुखिया चौधरी जयंत सिंह जी गए थे विधानसभा चुनाव में, कितनी बार गए? उन्होंने वहाँ मीटिंग की थी, जनसभा की थी, और उस कार्यक्रम में विधानसभा चुनाव में कितनी बार गए थे बता दीजिए? विधानसभा चुनाव में लगातार हमारा जाना रहा है। अच्छा, ऐसा आप कैसे कह सकते हैं कि केवल हम पश्चिम तक सिमटे हुए हैं, या समाजवादी पार्टी केवल हमको पश्चिम तक ही सीमित रखना चाहती है? अच्छा, समाजवादी पार्टी या और राष्ट्रीय लोकदल का समन्वय है, हम दोनों लोग पूरे प्रदेश में हैं। क्या अभी रामपुर का चुनाव हुआ तो जयंत चौधरी जी रामपुर नहीं गए थे? वो रामपुर गए थे भाई, उसका भी ख्याल रखिए आप। चलिए ठीक है जी, चलिए ठीक, मुझे पता है कोई कहा गया था, मैं तो देखा हूँ सबका प्रचार, देखा हूँ मैं कि वहाँ पर पूर्वांचल में वहाँ पर ओमप्रकाश राजभर के साथ गलवैया डाल के वहाँ पर हेलीकॉप्टर से प्रचार हो रहा था, वो भी मैं देखा है, क्योंकि मैं चुनाव में केवल बैठा नहीं रहा हूँ, मैं तमाम क्षेत्रों को कवरेज भी किया हूँ। ठीक है, मैं खुद गया हूँ वहाँ पर, मुझे मुझे सबका प्रचार पता है कौन कहाँ प्रचार किया। जयंत चौधरी जी के जाने का भी देखा होगा फिर? जी जी, चौधरी साहब के जाने का भी आपने देखा होगा, ऐसा नहीं? जी जी, मुझे पता है, तभी तो पूछ रहा हूँ, आप नाराज हो गए मेरे साथ। ठीक है जी, ठीक है, जी ठीक है। विवेक श्रीवास्तव, विवेक श्रीवास्तव, यहाँ पर जिस तरह से बयान दिए हैं, बात हो रही है कि अखिलेश यादव 80 सीटें जीतने जा रहे हैं, और सबसे महत्वपूर्ण बात, तीसरे मोर्चे की गठन की तैयारी भी कर दी है, बड़े नेता हो चुके हैं, और निश्चित रूप से लगातार वो बैठक भी करते हैं, वो मिल भी रहे हैं, ये कहीं ना कहीं आपके लिए चुनौती है, और सभा बन चुका है, जैसे उन्होंने कहा है कि 80 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और सहयोगी के साथ वहां पर जीत हासिल करेंगे, बीजेपी का सुपड़ा साफ होगा केंद्र से और उत्तर प्रदेश से भी। वो दो बार गठबंधन करके प्रयोग कर चुके हैं। अच्छा, उन्होंने कांग्रेस के साथ गठबंधन किया,
फिर बुआ जी के साथ गठबंधन किया। दो लोकसभा चुनाव का दृश्य तो आपने देख लिया होगा, विधानसभा चुनाव में भी उनके गठबंधन का हाल देख लिया, और गठबंधन के कुछ ही दिन बाद जिस तरह से उनके सहयोगी दलों ने उनसे किनारा कसा जी, और आज वो कलकत्ता में जाके अपनी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि कलकत्ता से वो कौन सा संदेश दे रहे हैं उत्तर प्रदेश की जनता को। ना तो कलकत्ता वाली दीदी का उत्तर प्रदेश में कुछ है, और ना उत्तर प्रदेश वाले भैया का कलकत्ते में कुछ है। अच्छा, तो दोनों स्थितियों में क्या संदेश कलकत्ता में दे रहे हैं वो, या कलकत्ता से यहाँ क्या संदेश देना चाहते हैं। अच्छा, ये बड़ा अजीबोगरीब स्थिति है जी। और दावा अस्थि का करते हैं जी, अटके हैं तीन पे। अच्छा, पांच थी, दो चली गई, तीन से अस्सी की बात कर रहे हैं। जब इतने लोगों को मिला के लड़े तो ये हाल है जी, पांच से ऊपर बढ़ ना सके। अच्छा, अब अस्सी का सपना देख रहे हैं, तो सपने पे तो कहीं कोई पतबंध मेरे ख्याल से है नहीं। अच्छा, देख सकते हैं सपने, तो सीबीआईडी का कोई छापा तो पड़ता नहीं दोनों जी। क्या पड़वा नहीं, छापा पड़वा नहीं क्या होने इसे, छापा पड़वा नहीं, ये लोग कहते हैं, इसे हमारे विपक्षी दल है आपके लगता है, विपक्षी दल कहते हैं कि साहब ईडी सीबीआईडी सीबीआई, मुझको लगता तो तोता बोलते कि ईडी सीबीआई तोता है, आप उड़ा देते हैं। मुझको तो नहीं लगता कि शायद सपने पे कहीं ईडी सीबीआई संज्ञान ले लेती हो, तो सपने पे तो कहीं कोई दिक्कत है नहीं, सपने देखने में बुराई क्या है। अच्छा, देखना चाहिए सपने, सपना देखते रहे मुंगेरी लाल कहसीन, सपने देखने में कोई बुराई तो है नहीं। कम से कम इसी बहाने कुछ मौसम गुलाबी नजर आएगा, मौसम गुलाबी नजर आएगा। अब रही बात कलकत्ते जाने की, तो गौरव जी तो आपको दर्द क्यों हो रहा है कलकत्ता गए हैं? हमें कोई दर्द नहीं है। जब आपको चुनौती नहीं है भाई, वो तो छुट्टी मनाने लंदन में चले जाते हैं, हमें तो उस पर भी दर्द नहीं है। वो कलकत्ते जाए अपनी कार्यकारिणी बैठक लंदन में कर ले, उस पर क्या दर्द है? तो जाते भी छुट्टी मनाने लंदन। अच्छा, ये लोग तो जमीन पे आने वाले लोग ही नहीं है जी। इन लोगों से भारतीय जनता पार्टी को चिंता की आवश्यकता ही है। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी अपने काम पे, अपने कार्यकर्ताओं के दम पे, अपने नेताओं के चेहरे के साथ मैदान में उतरती है। अच्छा, हम तो इन लोगों के अंदरूनी झगड़ों से कोई वास्ता नहीं। दोफाड़ हो गया, पर एकजुट हो रहा है ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, एम के स्टालिन, केसीआर, तेजस्वी यादव, तमाम नाम चर्चा चल रही है। विपक्ष की एकता में सबसे घंटी नहीं है क्या? विपक्ष की एकता में सबसे बड़ी रोड़ा कांग्रेस है। अच्छा, तो कांग्रेस तो अलग कर दिए, कांग्रेस में की सबसे बड़ी समस्या राहुल गांधी है। अच्छा, तो कांग्रेस का नाम ही ले रहे ना, वो तो अलग ये ले ना ले, कांग्रेस की जो स्थिति है देश में जी, उस स्थिति को देखते हुए बिना कांग्रेस के कोई गठबंधन भारतीय जनता पार्टी के सामने खड़ा होने की स्थिति में नहीं, तो बात साफ है। अच्छा, और कांग्रेस की समस्या यह है कि राहुल गांधी से तरह उन्हें कोई दिखता नहीं, और अन्य दलों की स्थिति यह है कि उन्हें राहुल गांधी समझ में आते नहीं। अच्छा, तो इस जो स्थिति, तो आपका मानना है कि तीसरा यानी जो विपक्ष है वो बिना कांग्रेस से संभव नहीं है जी? आपका मानना है कि विपक्ष है जी, उसकी कल्पना बिना कांग्रेस से संभव नहीं है क्या? देखिए, विपक्ष की एकता ही संभव में नजर नहीं आती। अच्छा, और जिस तरह से नरेंद्र मोदी जी की लोकप्रियता देश ही नहीं पूरी दुनिया में इस समय चरम पे है, ऐसी स्थिति में जी, उस लोकप्रियता के आगे कोई गठबंधन, कोई मोर्चा काम नहीं आने वाला। अच्छा जी, 2024 में भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी के प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही, कोई ओरचा मोर्चा, कोई काम नहीं। अच्छा, आपने सपना देखा है कि स्पष्ट हो गए? हम तो जो सपने देखते उसको मूर्त रूप देते, हमने दिया भी है, पिछली बार दिया, देख लीजिए, चलिए फिर देने जा रहे हैं। चलिए ठीक है, ठीक है। अतीक खान, सुभाष पते, अतीक भाई, यहाँ पर अलगाव था, सपा से जुड़े, पहले बीजेपी से सरकार में रहे, उसके बाद सपा के साथ आए, और चुनाव परिणाम आते ही वहाँ पर भी अलग हो गए। उसके बाद लगातार ओम प्रकाश राजभर सावधान यात्रा निकालते हैं, लखनऊ से पटना तक सक्रिय रहते हैं, तमाम वर्गों की बात करते हैं, और लगातार उनको कहा जाता है कि वो बयानवीर है, सुबह बयान दूसरा, शाम को बयान दूसरा। खैर, यहाँ पर हम किसी नेता पर आक्षेप लगाने नहीं बैठे, पर सबसे महत्वपूर्ण बात है कि अब आपकी स्थिति क्या होने वाली है। सपा से अलग हो चुके हैं, बीजेपी पहले अलगाव हो चुका है, हालांकि करीबियाँ कुछ बताती रहती है, समय समय मुलाकात जो होती है वो कुछ स्पष्ट करती है, कैसे देखते हैं? देखिए गौरव भाई, ये किसी से छिपा नहीं है कि 2014 में
हम भारतीय जनता पार्टी के साथ आए और लोगों ने देखा, जनता ने देखा, पूरे देश ने देखा कि भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत की सरकार बनी जी। फिर 2022 में हम समाजवादी पार्टी के साथ आए जी। आपने देखा जो 45 सीट वाली समाजवादी पार्टी थी, 25 सीट तक गई। अच्छा, आपने संजीवनी लगा दी उसको? नहीं नहीं, संजीवनी नहीं, हमने जो गठबंधन बना रही हमने पूरी तरीके से निभाया। और पूर्वांचल का अगर अभी आपने देखा होगा तो पूर्वांचल में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस पार्टी का रहा, जिसमें से हम लोगों का अच्छा योगदान रहा। अभी हमारे भाई RLD के कह रहे थे कि पूर्वांचल में भी हम गए, तो चूंकि पश्चिम में इनका दबदबा था जो लोगों ने जाना, लेकिन मुझे नहीं लगता कि बहुत अच्छा रिजल्ट दे पाए। लेकिन पूर्वांचल में आपने देखा होगा कि हमने बहुत अच्छा रिजल्ट दिया। अब रही बात 80 सीट की, कौन 80 ला रहा है, कौन कितनी ला रहा है, देखिये ये जनता में जाएंगे। देखिये ये जनता जनार्दन तय करती है कि कौन 80 सीट लाएगा, कौन 70 सीट लाएगा, और जनता रिपोर्ट कार्ड देखती है। अच्छा। रही बात हमारी, तो हम अभी किसी के साथ गठबंधन में नहीं है, हमारा गठबंधन जनता जनता से है, तो हम जनता के साथ हैं, जनता के बेसिक मुद्दों पे हम लड़ाई लड़ रहे हैं। अच्छा। गरीबी, महंगाई, बेरोजगारी, जातीय जनगणना, सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू करना, तो लड़ाई कहाँ पे लड़ रहे हैं? स्नातकोत्तर शिक्षा फ्री करना, तो हमारी लड़ाई इस पे है और जनता के साथ हमारा लड़ाई। आप लड़ाई लड़ रहे हैं, कहाँ लड़ाई लड़ रहे हैं? बिल्कुल, देखिए अभी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अभी 10 दिन के दौरे पे थे, पूर्वांचल के 20 जिलों में इन्होंने जनसभाएं की, उसके बाद बिहार गए, बिहार के लगभग 8 जिलों में हमारी जनसभाएं हुई, तो कहीं ना कहीं हम जनता के बेसिक मुद्दों पे बात कर रहे हैं, जनता हमें पसंद कर रही है, और आने वाले समय में जनता जनार्दन ही बताएगी कौन कितना बड़ा, किस लेवल पे कौन पार्टी जा सकती है। तो जनता के ऊपर हमने छोड़ दिया है, जनता किसको 80 देना चाहे, 60 देना चाहे, या 0 देना चाहे, वो जनता तय करेगी। अच्छा, तो आप अकेले चुनाव लड़ेंगे, गठबंधन में जाएंगे? नहीं नहीं, देखिए अभी अभी तो हम निकाय चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, निकाय चुनाव में चूंकि छोटा चुनाव है, यहाँ बहुत सारी अपेक्षाएं होती है, हमारे जो कैडर बेस के लोग होते चुनाव हैं, के समय छोटे तो, का ही है अधिक भाई निकाय चुनाव, छोटा चुनाव नहीं, नहीं, होता नहीं है। देखिए होता क्या है कि आप हमारे बड़ी मजबूत पकड़ है, भाई निकाय चुनाव जीतता है, नहीं, हमारे जो हमारे कार्यकर्ता हैं इनको भी मौका मिलना चाहिए, अगर हम किसी गठबंधन में जाते हैं। अच्छा। तो फिर सीटें सीमित हो जाती है। अच्छा। तो हमें निकाय चुनाव अकेले लड़ना है, पूरे 760 निकाय में अकेले चुनाव लड़ेंगे? बिल्कुल अकेले लड़ेंगे। और रही बात 2024 के चुनाव की, तो देखा जाएगा। अखिलेश यादव यहाँ पर 80 सीट की बात कर रहे हैं, कहाँ तक लगता है? देखिए देखिए दावा करना और पाना, देखिए दावा करना पाना ये अलग चीज है। अखिलेश यादव जी कह रहे हैं, हो सकता है उनका कॉन्फिडेंट हो, लेकिन मैं एक मेरा मानना है कि जनता आपको 80 देती है या 60 देती है, जनता तय करती है। तो मुझे लगता है ये ओवर कॉन्फिडेंट, ये कहीं ना कहीं इंसान को लपेट लपेट के बोल रहा है भाई, बिल्कुल ओवर कॉन्फिडेंट, नुकसान ही बोल पा रहा है कि जीतेंगे नहीं जीतेंगे। नहीं नहीं, देखिए जीतना हारना मैंने फिर से कहा कि जनता तय करती है। अभी लगता पीछे से बातचीत चल रही है, लगता है। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन हाँ रही बात यह है कि रिपोर्ट कार्ड जनता देखेगी, जिसने अच्छा किया है। अच्छा। जो भी अच्छा किया होगा जनता उसके साथ है। अच्छा। और जनता उसे ही प्रचंड बहुमत के साथ जिताएगी। अभी 22 का चुनाव अभी निपटा है, पिछले साल ही निपटा है, उसके बाद एक साल हो चुकी है, अगले साल चुनाव है, बहुत समय भी यहाँ नहीं हुआ, निकाय चुनाव में तमाम कुछ चीजें स्पष्ट हो जाएंगी, पर एक एक सिनेरियो तो स्पष्ट होना चाहिए कि सुभाषपा जाएगी कहाँ। हमने बता दिया कि जनता के साथ हमारा गठबंधन है। अच्छा। हम 24 करोड़ जनता के साथ हैं और हम अपनी पार्टी के विस्तार में लगे हुए हैं। अभी मध्य प्रदेश में पार्टी का कुछ काम चल रहा है, महाराष्ट्र में अभी हम अच्छा जो लोग आपको छोड़ के चले उनकी कमी कैसे पूरी करेंगे? देखिए छोड़ के कौन जा रहा है, वो मुझे लगता है कि जो जा रहे हैं, देखिए आना जाना ये पार्ट ऑफ पार्टी है, ये हर पार्टियों में आना जाना लगा रहता है। अच्छा। जो लोग गए मुझे नहीं लगता कि बहुत महत्वपूर्ण पद पे थे और बहुत ज्यादा कोई योगदान नहीं था, लेवल पर थे और असंतुष्ट होके गए। देखिए पार्टी विरोधी गतिविधियां पाई गई तो पार्टी ने उनको हटा दिया। अच्छा। तो ये आम चीजें हैं गौरव भाई, इस पे मुझे लगता है कि कोई बहुत ज्यादा मायने नहीं रखता है, आना जाना सारी पार्टियों में लगा रहेगा, आना जाना चलता रहेगा, गाना भी आया जाएगा। चल ठीक है, तारिक खान, तारिक भाई बहुत समय बाद डिबेट में आपको आने का मौका मिला, निश्चित रूप से बड़ा अच्छा लग रहा है, पर सबसे महत्वपूर्ण बात ये बताइए कि जिस तरह से अखिलेश यादव 80 सीटों की बात कर रहे हैं, कैसे देखते हैं? देखिए 80 सीटों की बात है तो हम लड़ेंगे तो सारी सीटें, ऐसा तो है नहीं। अच्छा। कि 80 सीट नहीं लड़ी जाएगी। हाँ। अच्छा ये बताइए कि क्या दोनों तरफ मेरे एक पार्टी बैठी है। हाँ। तो क्या कोई कहेगा कि हम 80 जीतने के लिए नहीं लड़ेंगे? अच्छा। हम 75 जीतने के लिए लड़ेंगे? अच्छा। ये भाई हम सारी सीटें जीतने के ही लड़े के लिए लड़ेंगे। अच्छा। अब अभी बात हो रही थी हमारे बगल में बैठे सुभाषपा के प्रवक्ता कि इनका रोल क्या रहेगा। जी। विधानसभा में दो ही टाइप की सिटिंग अरेंजमेंट है गौरव भाई। अच्छा। एक पक्ष और एक विपक्ष। जी। हमें लगता है एक तीसरा सिटिंग अरेंजमेंट भी बनाना पड़ेगा इनके लिए। अच्छा। क्योंकि आप पक्ष में है। हाँ। कि विपक्ष में है। हाँ।
इसको समझना जो है थोड़ा सा जरूरी है। कांस्टेंट पर बनाना पड़ेगा। अब ये तो आप विधानसभा अध्यक्ष साहब को कानपुर चिट्ठी लिख के भेजनी पड़ेगी कि एक जगह और निर्धारित की जाए बैठने की। नहीं, मैं तो ऐसे ही कह रहा हूँ जी। और दूसरी बात यह है कि लोकसभा चुनाव के जो मुद्दे हैं वो तय होना शुरू हो गए हैं। नेशनल लेवल पे क्या गठबंधन होगा उसकी भी बात होना शुरू हो गई है। चलिए, और जो भी मुद्दे हैं उनको जनता के सामने रखा जाएगा, कोशिश की जाएगी कि सारी सीटों पे बेहतर से बेहतर परफॉर्मेंस किया जाए। अच्छा, जो अभी चुनाव हुए, बाई इलेक्शन भी हुए, तो उसमें कभी हम जीते और कभी ये जीते, मगर मुझे लगता है कि बड़ा अहम लोकसभा चुनाव है, जनता को निर्णय लेना है, जनता के पास मुद्दे हैं, अब उस मुद्दों को हम कोशिश करेंगे कि डिलीवर अच्छा, कर सके। तकी भाई, तारिक भाई, मेरा एक सवाल रहेगा। अतीक खान यहाँ पे बोल रहे थे कि जिस तरह से हम जैसे ही बीजेपी के साथ आए, प्रचंड बहुमत से आई, सपा के साथ आए, 47 से 111 सीटें हो गई और हमने बूस्टअप कर दिया। ये बात तो अब जैसे ये जहाँ गए हाँ। इन्होंने बूस्टअप कर दिया हाँ। लेकिन ऐसे तो बीजेपी भी कह सकती है कि ये छोड़ के गए तो हम सत्ता में आ गए वापस। अच्छा, देखिए कान पकड़ने को है। अच्छा, चाहे इधर से पकड़ लें और चाहे उधर से पकड़ लें। अच्छा, इनके बारे में सिर्फ मेरा एक स्टेटमेंट है गौरव हाँ। भाई, बड़ा जेन्युइन स्टेटमेंट, बोल दीजिए। आपको जनता ने सत्ता के विपरीत वोट दिया था, बीजेपी के अगेंस्ट वोट दिया था गौरव भाई, बिल्कुल। अब आप कहां रहते हैं और आने वाली लोकसभा की सीटें लड़ेंगे जरूर, मेरा कोई अधिकार है नहीं कहने का कि आप इतने वोट पाएंगे, ये काम बीजेपी करती है। जैसे अच्छा। मौर्य जी ने खुले मन से कह दिया कि आप 0 सीटें पाएंगे या आप जीत नहीं पाएंगे। क्यों? अच्छा। क्योंकि उन्होंने एस्ट्रोलॉजी पढ़ी है। अच्छा। वो भविष्य जानते हैं। कौन मौर्य जी? दो मौर्य, डिप्टी सीएम साहब। अच्छा, अच्छा। वो भविष्य जानते हैं। मैं मुबारकबाद देता हूँ भाजपा के लोगों को कि आपके पास ऐसे लोग हैं जो भविष्य अगले जाना भी जानते हैं। 80 सीटें बोले वो भी भविष्य नहीं, हम 80 सीटें जीतेंगे नहीं, हम 80 सीटें लड़ेंगे और कोशिश करेंगे कि 80 सीटों पे जीते। अच्छा। लेकिन आपने बता दिया कि आपका परफॉर्मेंस जीरो रहेगा, विधानसभा में कहा था जी। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि हम भविष्य नहीं जानते हैं। अच्छा। आने वाले चुनाव में जनता देगी मैंडेट जी। लेकिन अगर सुभाषपा की बात करें तो जो आपका अभी का जो मैंडेट था जी विधानसभा चुनाव में हाँ। वो बीजेपी के अगेंस्ट था। अच्छा, आप 5-6 सीटें जीते, वो अब बीजेपी तो बुला रहे हैं उनको, संग में बुला रहे जा रहे हैं क्या? नहीं, बुलाने और न, मैं फिर कह रहा हूँ गौरव भाई, देखिए हिंदुस्तान की राजनीति में कितनी, क्या आपने 20 साल पहले सोचा था कि कांग्रेस और शिवसेना साथ आ सकती? गौरव भाई, नहीं आ सकती। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि राजनीतिक परिस्थितियां कैसे बदलती हैं उसका आकलन बड़ा सटीक करना मुझे लगता है बड़ा मुश्किल होगा कि ये आएंगे या नहीं आएंगे। आ भी सकते हैं, नहीं भी आ सकते। रालोट को साथ में रखेंगे, रखेंगे रालोट को? देखिए उनके साथ तो हमारा गठबंधन है, ये चल ही रहा है, मजबूत है। हाँ, मजबूत है। गौरव भाई, देखिए लोकसभा से पहले एक मैच और होना है। अच्छा, उसको नगर पालिका या निकाय आप कहते हैं वो होना है। अच्छा, बड़ा इंपॉर्टेंट मैच है। अभी आप कह भी रहे थे, वाकई में बड़ा इंपॉर्टेंट, बिल्कुल, क्योंकि वो मैच होना है शहर में जी। और शहर की जनता ये माना जाता है कि बड़ा डिसाइडिंग रोल अदा करती है हर चुनाव में, बिल्कुल। तो निकाय चुनाव पहले लड़ लिया जाए, तब लोकसभा की बात की जाएगी, क्योंकि सरकार ने कह दिया हम अप्रैल मई में करा देंगे। मेरा भी मानना है कि 100% चुनाव, मेरा आकलन है ऐसा, 100% नहीं कहना चाहिए कि अप्रैल मई में चुनाव हो जाएगा। अब उसमें क्या परिस्थितियां निकल के आती हैं तो हम लोग बड़ा आरएलडी आपके साथ रहेगी कुल मिला के? हाँ, वो रहेंगे, उनके साथ तो हमारा गठबंधन अच्छा, है अच्छा। बात भी चल रही है, हो सकता है निकाय चुनाव भी अगर अगर उन्होंने भी आपको एसी वाली सलाह दी तो उनको भी निकाल दे आप? अरे नहीं गौरव भाई, देखिए क्योंकि यहाँ पर ओमकर भाई बार बार आपको एसी वाली सलाह देते थे, आप नाराज हो गए थे, तो हटा दिया। एसी वाली सलाह अब मेरे भाई, अभी मैं एसी वाली बार बार बोलिएगा, आप एसी वाली बार बार बोलिएगा जी, नाराज हो जाएंगे नहीं तो अखिलेश जी। जी एसी एसी वाली बात में मुझे कहने का मतलब है, देखिए ये अब अखिलेश जी दुनिया भर में जनसभाएं करते हैं, अभी जाते हैं कलकत्ता गए, कहां कहां गए, अब उन्होंने कहा है कि प्रति हर जिले में एक दौरा होगा जी, तो क्या एसी भी साथ में जाएगा? अच्छा, ये कैसे संभव है, ये कैसी बातें, मेरे तो ऊपर से निकलती, मुझे नहीं समझ में आती। तभी तभी राजनीतिक जीवन भी अलग हो गया आपसे, राजनीतिक जीवन में जो भी हैं जी, यहाँ भी लोग बैठे हैं जी और बड़े स्तर पे और लोग बैठे हैं, चलिए तो उनको तो जनता के बीच में जाना ही है, फिर वो एसी से बाहर निकलना पड़ेगा। तो ये स्टेटमेंट मुझे लगता है कि इसका जो बेस है, जो इसका धरती के नीचे बेस है, वही गलत है, गलत है, गलत है। ठीक है, अमर भाई कैसी राय है आपकी भाई,
तैयारी हो रही है, रणनीति बन रही है, 80 सीट जीतने के यहाँ पर वादे किए जा रहे हैं और बयान दिए जा रहे हैं। हालांकि बयान से कुछ होना नहीं है, बयान तो यहाँ चलते रहते हैं, हर पार्टी या सरकार बनाती है, हर पार्टी 80 सीटें जीतने की बात करती है, कैसे देखते हैं? बहुत शुक्रिया गौरव जी जी कि आपने चर्चा में शामिल किया जी। दरअसल अखिलेश जी का बयान ये 80 सीटें जीतने वाला ये कोई राजनीतिक बयान नहीं बल्कि बहुत बचकाना बयान है। बचकाना है, अच्छा। आपको याद होगा 2014 में जी इनकी फुल मेजोरिटी की सरकार थी जी, प्रचंड बहुमत तो नहीं कहेंगे लेकिन फुल बहुमत से इनकी सरकार थी और मात्र 5 सीटें जीत पाए थे, क्योंकि लगातार इनकी जो गतिविधियां थी वो एंटी मुस्लिम थी, तो मुस्लिमों ने तो इनको वोट दिया लेकिन जो इनकी सजातीय वोट था वो इनको नहीं मिला, तो ये मात्र 5 सीटों पर जीत पाए जबकि 2004 में इनकी 38 सीटें हुआ करती थी और उसमें इनको मुस्लिम के अलावा लोधी वोट पूरे प्रदेश का बड़ी तादाद में इनको वोट मिला और उसके बावजूद भी ये पूरे चुनाव भर माननीय मुलायम सिंह जी यही कहते रहे कि हम मुद्दों के आधार पर समझौता करेंगे, मुद्दों के आधार पर समझौता करेंगे और समर्थन देंगे, लेकिन जैसे ही सरकार कांग्रेस की बनने की नौबत आई तो मुलायम सिंह जी वही जो भारतीय जनता पार्टी का राग था अड़ापने लगे कि हम विदेशी को प्रधानमंत्री नहीं बनाएंगे, तो उसमें बड़ा पार्टियां असमंजस में आ गई। उसके बाद फिर कांग्रेस ने मनमोहन सिंह जैसे सलीके कांग्रेस के वरिष्ठ लीडर को निकाला और प्रधानमंत्री की सीट पर शोभित किया। गौरव जी आप 2400 अब तक का इनका आकलन करें और इनकी राजनीतिक गतिविधियां देखें तो 2014 में इनकी फुल मेजोरिटी सरकार होने के बाद 5 सीटों में सीमित रह गए। 2017 में जब चुनाव हुआ तब भी इनकी फुल मेजोरिटी सरकार थी, इन्हें कांग्रेस से समझौता करना पड़ा। कांग्रेस समझौता करने के बाद एक मुस्लिम समुदाय में एक मैसेज गया कि किसी भी तरीके से सरकार अखिलेश की बनेगी, क्योंकि कांग्रेस की भी लोग 50 से 70 तक सीटें आंक रहे थे और इनकी चाहे कितनी कम कर रहे हो लोग 100 सीटों से ज्यादा नहीं कम कर रहे थे, कुल मिलाकर सरकार अखिलेश की मार रहे थे और मात्र 47 सीटों पर अखिलेश टिके। अखिलेश तो डूबे डूबे साथ में कांग्रेस को भी ले डूबे, कांग्रेस की भी 8 सीटों पर सिमट गई। उसके बाद थोड़ा सा आगे बढ़िए, 17 में इनका खेल खत्म हो गया, अब आया 19 का चुनाव। 19 के चुनाव में भी इनका अहंकार और इनका लड़कपन, बचकानी हरकतें, अच्छा। शेखी खोरी जो भी कुछ मान लीजिए, अच्छा। ये फिर 5 सीटों पे पूरा जोर लगाने के बाद, उस टाइम मुलायम सिंह जी भी हयात थे, जिंदा थे, तो ये 5 सीटों पे सिमटे। अब उसके बाद 2 सीटों का फिर उपचुनाव हुआ तो जो उपचुनाव में इनकी सीटें थी उसको भी ये मतलब नहीं रख पाए, हार गए। तो गौरव जी ये तो फिर वो शेखी खोरी वाले बयान मान लीजिए, बचकाने बयान मान लीजिए, अच्छा। या जो भी कुछ कह लीजिए, हाँ 2022 में पूरे मुस्लिम समाज में जितने भी भारतीय जनता पार्टी के सबके सब यही कहते घूमते रहे मुस्लिम समाज में के समाजवादी पार्टी की सरकार बन रही है, अच्छा। समाजवादी की पार्टी सरकार बन रही है, मुसलमानों ने एक तरफा वोट दिया, अच्छा। सुभाषपा वाले अपनी पीठ ठोक रहे थे, अच्छी बात है, हाँ। वो भी राजनीतिक दल है, अपनी पीठ ठोक सकते हैं, हाँ। लेकिन सच ये है गौरव जी, आप भी जानते हैं और पूरे प्रदेश की जनता जानती है कि मुसलमानों ने एक तरफा वोट दिया, अच्छा। और इनकी 111 सीटें आई, 47 से 111 पे पहुंचे, अच्छा। अगर गौरव जी ये वोट इस बार अगर माइनस हो गया इनसे, अच्छा। तो 80 तो छोड़ दीजिए गौरव जी, ये 3 सीटें जो इनकी मौजूदा है, हाँ। इसको बचाने में भी इनके लाले पड़ जाएंगे, आप अच्छी तरह समझ लीजिए, आप तो उल्टा चलेगा, आप तो 08 भी नहीं बोल रहा, सीधे 3 से नीचे चले जा रहे हैं, ऐसी क्या बात है? अरे तो 2014 में बहुजन समाज पार्टी 0 पे चली गई थी गौरव जी, अच्छा। 1 सीट नहीं निकाल पाई थी, और जो हाल अखिलेश जी का है, अहंकार में डूबे हुए हैं, शेखी खोरी वाली बातें कर रहे हैं, जमीन में कुछ है नहीं, तो क्या होगा इनका हाल? ये तो सोचने वाले मेहनत कर रहे हैं, तारिक खान कुछ बोलने जा रहे हैं, बहुत दर्द है आपको? मेरा कहने का मतलब है बहुत दर्द है गौरव भाई, और साबरी भाई बड़े, हाँ, भाई हैं हमारे, हाँ, जब 3 सीट हम जीतेंगे इसका, हाँ, मतलब है कि आप कह रहे हैं कि बाकी बची हुई सीटें भी बता दीजिए कहाँ जाएंगे, हम ये जानना चाहते हैं, बता दीजिए हमें भाई, बता बाकी दीजिए। बता दें, अरे भाई गौरव जी अभी, हाँ, कहाँ है सीटें, हाँ, अरे भाई फिर भाई अभी कहाँ है, आप विपक्ष की बात करते हैं, हाँ, कांग्रेस और बसपा को माइनस कर देते हैं तो आप कहाँ मिट गएंगे, आप ये भी तो बताइए, कहाँ टिकेंगे बताइए, मैं वो नहीं, मेरा विपक्ष कैसा, हाँ बोलिए बोलिए, मेरा सवाल है, यही मेरा प्रश्न है समाजवादी पार्टी के नेताओं से कि बगैर बहुजन समाज पार्टी कांग्रेस के विपक्ष से क्या मतलब है, बताइए तीसरा मोर्चा बनाने जा रहे हैं, नहीं नहीं मैं कह रहा हूँ, मेरा सवाल दूसरा है, जैसे 3 हम जीते, एक तरीके से एग्जिट पोल हो रहा है, हाँ,
साबरी साहब का, तो चुनाव तो जाने दीजिए, तो बाकी 77 कहां गए? चुनाव तो जाने दीजिए, ये एग्जिट पोल है, पहले आकलन किया जाए, सारे बयानों पे चुनाव करा देंगे क्या? आमिर भाई बाकी 77 सीटें किसको दे रहे हैं, हम ये जानना चाहते हैं। पता नहीं आमिर भाई, अरे भाजपा दे रहा हूं किसको देंगे, उसे कहे ना वो कहां जहां है वहां चली जाएंगी। आखिर हम चाहते हैं साबरी साहब अपने मुंह से कहें कि 77 सीटें कहां जा रही हैं। बस भाई, भाई जनता देश की बड़ी समझदार है तारिक भाई, देखिए 77 सीटें आज की तारीख में कहां हैं, आप समझ लीजिए कि जिस तरीके से अखिलेश जी की रणनीति चल रही है, अखिलेश जी बजाय उत्तर प्रदेश के पश्चिम बंगाल में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक करने गए और राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक करके वापस हुए, तो उत्तर प्रदेश में ही क्यों नहीं मेहनत कर रहे हैं? पश्चिम बंगाल में इनका क्या है जी? अरे पश्चिम बंगाल उनके लिए शुभ है भाई, बोलते वहां से कोई काम करते अच्छा होता है, सुना है जी, सूत्र बताते हैं सर, कलकत्ते में गंगा भी समुद्र में विलीन हो जाती है। देखिए गौरव जी, वो एक कहावत कहे कही जाती है कि जो हांडी में पक्का है सामने आएगा, सबर कीजिए, 2024 बहुत दूर नहीं है। जिस तरीके की रैली चल रही है और माननीय अखिलेश जी अपनी नीतियां चला रहे हैं उसके तहत, तो अगर सीट जो है मौजूदा वो बच जाए तो बड़ी बात मानिएगा, बाकी अरे भाई अभी टाइम है, रणनीति बन रही है, बन रही है, सपारी बोली तो बोल दी भाई, आरएलडी बोल दी, बस बहुत है इनका, मजबूती बहुत है, बहुत करना चाहिए, इतना भले ही पूर्वांचल लेके ना जाए, पूर्णिमा लेके ना जाए, पर गठबंधन मजबूत है। बोलिए बोलिए आमिर भाई, गठबंधन तो मजबूत है, गठबंधन में कोई संशय नहीं है गौरव जी, लेकिन साबिर भाई को अभी थोड़ा जल्दी निर्णय दे दिया कि ये सीटें कहाँ रहने वाली हैं, अभी तो रणनीति बन रही है, अभी 24 का चुनाव आने दीजिए, अच्छा। क्या परिस्थितियां बनती हैं, क्या सिम्टम्स आते हैं, उसके आधार पर निर्णय होगा, आरएलडी कितनी सीटें मिल रही है बता, और जनता बदलाव चाहती है, अच्छा। ऐसा नहीं जो पूर्व में हुआ है उसी को रिपीट होता रहेगा, देखिए अच्छा। जनता बदलाव चाहती है और परिवर्तन होना चाहिए, अगर परिवर्तन नहीं होगा तो सत्ता अहंकारी हो जाएगी। अच्छा ठीक है ठीक है, विवेक श्रीवास्तव भाई आप मुस्कुरा रहे थे बहुत देर पे सर, बहुत सारी बातों पे, क्या बात है? देखिए मैं तारिक जी की भी बात सुन रहा था, अतीक जी की भी बात सुन रहा था जी, और साबरी साहब की भी बात सुन रहा था, सबकी बात सुनने पे मैं मुस्कुरा रहा था जी। तारिक जी को विधानसभा में एक नया पक्ष चाहिए, अच्छा। बैठने के लिए नया स्थान चाहिए, अच्छा। उनका इशारा अतीक जी की पार्टी की तरफ है, बोले सीटों लगा दिया अलग से, विधानसभा में अगर कोई अपने आत्मा की आवाज़ कहता है तो इन्हें लगता है कि नहीं, सत्ता पक्ष विपक्ष दो ही भूमिकाएं होती हैं, इसके इतर किसी के लिए इनके अनुसार कोई स्थान नहीं है जी। इसी तरह साबरी साहब ने जिस तरह का मूल्यांकन समाजवादी पार्टी का किया है जी, उससे जिस तरह से हमारे तारिक भाई बेचैन थे, अच्छा। मैं उनकी बेचैनी देख के मुस्कुरा रहा था। साबरी साहब वरिष्ठ पत्रकार हैं, वरिष्ठ पत्रकार, उन्होंने जो एनालिसिस की उन्होंने साफ साफ कह दिया, लेकिन अब उस पर ये उनको फंसाने की कोशिश करें कि बाकी सीटें कहाँ जाएंगी, अरे भाई जहाँ है वहाँ चली जाएंगी, अपने मुँह से कहें कुछ चीजें राजनीति में समझ ली जाती है तारिक भाई, हर चीज कहीं नहीं जाती, तीन आपको दे रहे हैं तो सरसर कहां जा रहे हैं, और वो तीन में भी बता रहे हैं कि उसमें भी लाले पड़ जाएंगे, लाले पड़ जाएंगे, तो जो कह रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार उनके अनुभव से लाभ उठाइए, उनके अनुभव को आप मजाक में मत उड़ाइए, ये ना कहिए कि साहब कहाँ जाएगी क्या जाएगी, इस वाक जाल में फंसाने की आवश्यकता नहीं है जी। सही बात है, वो कह रहे हैं कि आप अपनी रणनीति तैयार करिए, जमीनी हकीकत से रूबरू होइए, बात उत्तर प्रदेश की हो रही है, हाँ। आप कलकत्ता में बैठ के रणनीति तय कर रहे हैं, अभी बीच में आप कुछ दिन छुट्टी मनाने के लिए लंदन चले जाएंगे, आपको क्या दिक्कत है लंदन जाए, कोई दिक्कत नहीं है, समस्या नहीं आती है भाई, हमें समझ नहीं आती है, इनसे दिक्कत है ना, हमें राहुल गांधी कलकत्ता है तो भाई हमारे देश का राज्य है, राहुल गांधी भी छुट्टी मनाने लंदन चले जाते, विदेश चले जाते हैं, तो हमें इन लोगों की इस यात्रा से कोई दिक्कत नहीं है जी। बात यह है कि जब बात करिए जमीन की तो जमीनी हकीकत पे आइए, अच्छा, और नहीं करनी है इस तरह से मुंगेरी लाल कसीन सपने देख करके, चलिए ये तो डायलॉग पेटेंट हो गया आपका, खुद तो मस्त रहिए, अच्छा। कम से कम हम लोगों के तो वक्त ना बर्बाद करें जिसपे हम बहस चर्चा करते फिर रहे हैं, अच्छा। बेबी भाई पर आपने भी बात कही अतीक खान को लेके, सुभाषपा को लेके,
तो लगता है यहाँ पर कुछ चर्चाएं गर्म है, चर्चाएं गर्म। देखिए होता क्या है, दर्द आपको भी हुआ, दोनों जी होता क्या, तारिक भाई की बात पर दर्द हुआ आपको? दर्द इस बात का, सदन में पक्ष विपक्ष दो ही नहीं होती। अच्छा, सदन ऐसा ऐसी स्थान होता है जहाँ विधायक अपनी आत्मा की आवाज पे भी अपनी बात कहते हैं। अच्छा, अगर कोई दल विशेष के नेता अपनी बात कह रहे हैं, हो सकता है वो पक्ष सत्ता पक्ष के विषय में हो, समर्थन में हो, या विपक्ष के समर्थन में हो, दोनों चीजें हो सकती है जी। उसका मतलब ये नहीं कि उनके लिए आप एक अलग लाइन खींच दीजिए। अच्छा, वो जो निर्वाचित सदस्य है अपनी बात कह रहे हैं, उनकी बात का सम्मान करिए। अच्छा, हम तो आपको भी पूरा सुनने का मौका देते हैं, कहने का मौका देते हैं जी, आप पूरा समय पाते हैं बोलने के लिए। अब इसके बावजूद भी आप राहुल गांधी की यात्रा जाकर के विदेश में कहते हैं साहब हमारा माइक बंद कर दिया जाता है पार्लियामेंट में, कहे हैं भाई आप राहुल की तुलना अगली जाने से क्यों कर रहे हैं भाई? नहीं, क्यों नहीं करें? जब एक जब प्राइमरी स्कूल का एक बच्चा कर दिया, उससे अखिलेश यादव जी ने पूछा कि उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन है? उसने कहा राहुल गांधी। अच्छा, तो उस पर तो योगी आदित्यनाथ जी ने विधानसभा में कहा कि भाई बच्चे ने मूल्यांकन जो किया कुछ आसपास ही किया। अच्छा, बहुत ज्यादा अंतर नहीं है दोनों लोगों के मानसिक स्तर में, तो इस विषय आ चुका है। अच्छा, तो ऐसे भाई दो लड़कों का साथ आपने देखा, एक लड़का तार पकड़ के लखनऊ सड़क पर टहल रहा था बिजली का, वो सारा दृश्य आपने देखा है। अच्छा, तो ये सब कहने सुनने की बातें नहीं है, सब कुछ प्रदेश देख चुका है। इनके शासन काल में प्रदेश की क्या स्थिति परिस्थिति थी उससे भी प्रदेश रूबरू है। अच्छा, और किस जंगल राज से किस गुंडा राज से प्रदेश निकल करके आया है, गुंडा राज था, बहुत राज था, किस तरह से अरे भाई अपराधियों के सफाए हो रहे हैं, गुंडा राज करके रखे थे आप तभी आप सत्ता से बाहर हो, किस तरह से अपराधियों के सफाए हो रहे हैं, जवाब दे दो। और दो दो बार जवाब लेता हूँ, देखिए गौरव जी, दो दो बार जनता ने जिस को मैंडेट दिया, लोकतंत्र में जनता का आदेश ही सर्वाधिक है। अच्छा, जनता जनार्दन का आदेश ही सर्वोपरि होता है। अच्छा, दो दो बार लगातार भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में भी आया है, हिमाचल में भी आया, थोड़ा उसको भी ध्यान रखिए जी। ये आदेश पंजाब में भी आया है आपके खिलाफ, एमसीडी दिल्ली में भी आया है, हिमाचल में भी आया है। देखिए गौरव जी, पंजाब में हम नहीं थे, पंजाब में हम जहाँ थे बहुत हाशिए पे एक साइड पार्टनर थे। अच्छा, पंजाब में कभी हम हिमाचल में, हिमाचल की स्थिति हिमाचल में वोट ज्यादा हिमाचल में वोट ज्यादा पाए, क्योंकि वहाँ विधानसभाएं छोटी छोटी है, बहुत माइनोर अंतर से सीटें हुए हैं। और ऐसा नहीं है जी, एमसीडी में भी जो हम लोग हमारे बारे में भविष्यवाणी कर रहे थे कि एमसीडी में शून्य हो जाएगी भाजपा, बिल्कुल एमसीडी में भी हमारी मजबूत उपस्थिति है, ऐसा कुछ नहीं है जी। विषय ये है कि जो लोग इस तरह के सपने देख रहे हैं वो जमीनी हकीकत में आए, हमें जनता में बैठे उठे संघर्ष करें, स्वागत करेंगे। तारिक भाई, जंगलराज गुंडराज आपकी सरकार में था, यही खामियाजा भुगता आपने? देखिए एक चीज जो बीजेपी की मुझे बड़ी अच्छी लगती है, बता दीजिए, जो ये कहते हैं, चल कुछ तो अच्छा लगता है आपको, कि दो चीजें को बड़ा अच्छा लगता है मुझे। एक तो 17 से पहले उत्तर प्रदेश में कुछ नहीं था। अच्छा, और 14 से पहले भारत में कुछ नहीं था। क्या बात, बड़ा बेहतरीन ये बात इनकी लगती है। 17 में आजाद हुआ भारत, 17 में उत्तर प्रदेश में कुछ भी नहीं था। अच्छा, हम लोगों के पास शायद ये पहनने के लिए कपड़े भी नहीं थे। अच्छा, और आप आए, आपने कृपा की। अच्छा, और हम लोगों को सब कुछ मिल गया। अच्छा, एक कहना मैं ये चाहता हूँ कि एक जादू की छड़ी थी। अच्छा, और उसके बाद सब कुछ हुआ, और 14 और 17। अच्छा, क्योंकि स्थिति इतनी ज्यादा खराब थी, मैं कह रहा हूँ स्थिति कैसी थी ये कहना, कितना ही जंगल था, ये कहना गौरव भाई, ये कहना उस फोर्स का अनादर नहीं है जो हजारों IPS, हजारों कांस्टेबल, हजारों दरोगा, ये उनका अनादर नहीं है क्या? जी है उनका अनादर। अच्छा, मैं डंके की चोट पर कहता हूँ कि ये कहना कि 17 से पहले जंगल राज था या कोई राज था, आप ये कह सकते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर लो था, उसकी जो कैपेसिटी थी लॉ एंड ऑर्डर की वो कम थी, अच्छा काम नहीं करता था, लेकिन जंगल राज था, ये अनादर है उनका करना। दूसरी बात, मैंडेट का आप कितना आदर करते हैं अभी आपने बताया, आपने कहा गौरव भाई अखिलेश यादव क्या है, उनको मैंडेट विपक्ष का मिला है या नहीं मिला है ये बताओ। मिला है तो आपने उनको कितना सम्मान दिया, अभी आपने बताया कि उनका मानसिक स्तर कितना है लोग जानते हैं। अच्छा, ये मैंडेट है जनता का, मैंडेट है, लाखों लोगों ने करोड़ों लोगों ने उनको वोट दिया है, उनके नाम पे वोट दिया, उनकी इज्जत करना गौरव भाई, उनकी इज्जत करना हिंदुस्तान के और उत्तर प्रदेश के, क्यों ऐसा बोल रहे, एक एक आदमी की जिम्मेदारी, और ऐसा ही बता रहे हैं,
हाँ, 5 सेकंड में कंप्लीट बोल, बोल, ऐसे ही हाँ, अगर मुख्यमंत्री को मैंडेट मिला है हाँ, उसकी इज्जत करना हाँ, भी जरूरी है, लेकिन विपक्ष को इक्विवेलेंट दर्जा दिया गया है, जो जो नेता विपक्ष कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया है हाँ, और तमाम ऐसी प्राविधान किए गए हैं जिसमें विपक्ष के नेता का बहुत बड़ा रोल है जी। अगर सुप्रीम कोर्ट कहता है कि विपक्ष के नेता के बगैर मुख्य चुनाव आयोग नहीं चुना जाएगा, क्या मतलब है इसका जी? बिल्कुल, क्या मतलब है? बिल्कुल, बहुत बड़ा मतलब। बिल्कुल बिल्कुल, मैं इसलिए कह रहा हूँ जी कि थोड़ा सा इज्जत, नाराज हो गए बेबे भाई, जवाब दीजिए, थोड़ा सा इज्जत करिए आप, थोड़ा सा इज्जत करिए, इज्जत नहीं करते जाने दीजिए, तब तू तो जवाब दू, जब बोलिए इज्जत दीजिए, इज्जत नहीं दे रहे आप, गलत बात। देखिए गौरव जी, आप मुस्कुरा रहे हैं, इतनी मेरपुर बात उन्होंने कही, मुस्कुराहट की बात ये, ये उदाहरण अखिलेश यादव जी ने ही बताया था हाँ, कि मैं एक विद्यालय में गया हाँ, मैंने पूछा उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन हाँ, उसने कहा राहुल गांधी। अच्छा, तो अब ये कोई हमारा दिया उदाहरण नहीं है जी। अब रही बात जो इज्जत मांगते लोग फिर रहे हैं जी, अगर आपने अपने पिता की इज्जत की होती तो लोग आपको इज्जत देते, आपने अपने चाचा की इज्जत की होती तो लोग आपको इज्जत देते। चाचा पे आ गए आप लोग, हम बता रहे हैं जो जो आपने किया वही बता रहे हैं आप लोग, तमाम लोग इज्जत किए, जो आपने, देखिए गौरव जी, जो आपने किया सबके सामने किया है। अच्छा, कोई हमारे कहे तो, अब तो एक हो गया ना, क्या दिक्कत है, परिवार था भाई, जो कर गुजरे वो तो दुनिया के आंखों के सामने है। अच्छा, और रही बात जो इस तरह की आप बात कर रहे हैं, ये सारी चीजें तो आप ही की हुई है। अच्छा, फौज का यादवीकरण आपने किया, चुन चुन करके जिस तरह से आपने भर्तियां निपटाई और पूरी तरह जिस तरह से उत्तर प्रदेश की पुलिस को जिस तरह से पंगु बनाया, जवाहर बाग हत्याकांड क्या है। अच्छा, एक एक उदाहरण है, स्वयं मुलायम सिंह एक आईपीएस को फोन करके धमका रहे हैं, एक उदाहरण इस तरह के, तो ऐसे बहुत से उदाहरण है। क्या जवाब देंगे मुलायम सिंह के उस बयान पे, क्या जवाब देंगे? जब कहा जाता है, जब जब कहा जाता है यादवों की भर्ती ज्यादा की गई थी तो आपसे कहा गया कि आप उसको पटल पे रखिए, विधानसभा में ही कहा गया, और विधानसभा में ये चीज रखी गई कि 46 लोगों की 46 लोग उस जिस संदर्भ में बात कर रहे थे मुख्यमंत्री, 46 लोगों का चयन उस बिरादरी से हुआ था जिस बिरादरी की वो बात कर रहे थे। जब विधानसभा में उसका जवाब दिया जा चुका तो उस बात को आगे ले जाना चाहिए। अब मैं सीधे से ये कह रहा हूं आपको किस डायरेक्शन में चलना है, विधानसभा चलानी है तो विपक्ष को बराबर इज्जत देनी पड़ेगी। जिस तरीके से मौका नहीं मिलेगा सर जी, माना मौका नहीं देते आपको? नहीं नहीं, मौका मौके की बात नहीं है, मौका देना है और मौका किसी की विधानसभा अध्यक्ष को देना है और उसका प्राविधान संविधान में लिखा हुआ है। अच्छा, विपक्ष का पद किसी ने बनाया नहीं है। अच्छा, वो संविधान से है और चलना वैसा ही है, चलना वैसा ही है, तवज्जो नहीं देते आप विपक्ष के पद को, करण बात है, सम्मान करना चाहिए। देखिए गौरव जी, आप उपहास कर रहे हैं उनकी बात, तो पूरा समय देते हैं बोलने का। अच्छा, लोग बाग अगर खुद अपने आचरण से उपहास करा ले तो इसमें हमारा कोई दोष नहीं है। अच्छा, आपको वर्चुअल मीटिंग का मायने नहीं मालूम। अच्छा, राहुल गांधी वाला उदाहरण आप खुद दे रहे हैं जी। नहीं नहीं, राहुल गांधी वाला उदाहरण अखिलेश जी ने खुद दिया हुआ, हमने तो नहीं दिया। नहीं नहीं, उसको मैं एक्सप्लेन कर दूं, एक मिनट रुक जाइए गौरव भाई। वो किस संदर्भ में था? वो इस संदर्भ में था कि स्कूलों की स्थिति खराब है। अच्छा, बच्चों ने को एजुकेशन लेवल इतना नीचा है कि उनसे पूछा गया कि कौन है मुख्यमंत्री, उन्होंने राहुल गांधी को, वो संदर्भ था मेरे। मैंने पूरी वो जो पैरवी थी विधानसभा की, किसी को भी अगर राजनीतिक सिस्टम में आना है या प्रवक्ता बनना है, मेरी राय है सबसे पहले विधानसभा में होता क्या है, लोकसभा में क्या होता है, दो चार घंटा बैठ के देख लड़ाई होती है, बवाल होता है। नहीं, बवाल नहीं, नहीं गलत, ये स्टेटमेंट मैं नहीं दूंगा बिल्कुल। वहाँ दिल्ली में क्या हो रहा है? वहाँ अभी दिल्ली में वो जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी मांग रहे हैं, दे दीजिए, क्या गलत कर रहे हैं? क्या इतिहास में कभी जेपीसी नहीं दी गई क्या? अच्छा, कब नहीं दी गई? अच्छा, कब नहीं दी गई? जवाहरलाल नेहरू का टाइम उठा लीजिए और आकलन कर लीजिए 2022 तक कितनी बार दी गई है। तो आज मांग रहे हैं, कौन सा गुनाह कर दिया उन्होंने? दे दीजिए, जेपीसी मांग रहे हैं, दे दीजिए, बुराई क्या है? ठीक, बुराई क्या है? चुने हुए सांसद पता लगाना चाहते हैं कि कुछ नहीं हुआ था। मैं आपकी बात मान लेता हूं कि कुछ नहीं हुआ था, कंफर्म करने दीजिए ना। हमारे आप बात मानने के लिए, जब उससे ऊपर सुप्रीम कोर्ट कमेटी बन चुकी है तो उससे ज्यादा पावरफुल जेपीसी थोड़ी होती है। अब अपने आप में पार्लियामेंट की कोई ताकत है या नहीं है? अच्छा, पहले ये बताइए, हम जो कानून बनाते हैं सुप्रीम कोर्ट, पहले इस पे गौरव भाई, पहले इस पे बहस हो जाए कि सुप्रीम कोर्ट और पार्लियामेंट, सुप्रीम कोर्ट और पार्लियामेंट, जो पार्लियामेंट कानून बना के सुप्रीम कोर्ट को देती है नहीं देती है, ये बता दीजिए। लोगों को नहीं देती है या नहीं देती? देती है ना। विशेषज्ञता गौरव जी सुप्रीम कोर्ट की कमेटी में बैठे लोगों को हासिल है। पार्लियामेंट की ताकत को अंडरएस्टिमेट मत करिए। जरूर कर रहे हैं क्या बीजेपी वाले तारिक भाई? बिल्कुल, मैं कह रहा हूँ कि हम
हम जो कानून बनाते हैं हाँ। उसको देते हैं सुप्रीम कोर्ट को हाँ। अब आप अंडर एस्टिमेट करना चाहते हैं क्या पार्लियामेंट की ताकत को अच्छा। हम जेपीसी मांग रहे हैं अच्छा। वो चुने हुए नुमाइंदे जी दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र जी वो मांग रहे हैं कि हम ये जांच करना चाहते हैं हाँ। कि वास्तविकता क्या है अच्छा। दिक्कत क्या है उनसे कहिए जाओ भाई करो और एक मिनट में करोड़ों रुपए खर्चा है एक दिन का पार्लियामेंट चलाने का राज्यसभा और लोकसभा बिल्कुल राज्यसभा और लोकसभा आप कह दीजिए आप कह दीजिए पहली बार गौरव भाई बहुत इंपॉर्टेंट बात कह रहे हैं बोल दीजिए ये हो रहा है कि लोकसभा में विपक्ष और पक्ष करोल एक ही है मैंने बचपन से अपने जब से मैंने होश संभाला तो पक्ष क्या करता था पक्ष ये कोशिश करता था कि किसी तरीके से हम सदन चलाए भैया मान जाओ ऐसे करके होता था देखा है मैंने बड़ा तो, नहीं है। तो यही बताता है बैठक कर रही है पर विपक्ष यहाँ पर जुड़ी नहीं रहा है भाई बैठक तो कर रही है नया मुद्दा ले आई वो कह रहे हैं राहुल गांधी से माफी मांगो हाँ। अब मैं कह रहा हूँ पूरा विपक्ष तो राहुल गांधी है नहीं अच्छा। उसमें जो जेपीसी मांग रहे हैं और पार्टियां भी तो हैं अच्छा। वो मुद्दा सिर्फ कांग्रेस से जुड़ा हुआ है राहुल गांधी वाला वो आप उठाइए आप जेपीसी दे दीजिए उसको उठाइए कि माफी मांगो चलो ठीक है अतीक खान भाई आपके लिए अलग सीट की मांग कर रहा है सीट पे बैठेंगे क्या देखिए सबसे पहले तो मैं तारिक आपने को बूस्ट कराया 47-111 सीटों पे ले आए बिल्कुल तो अलग सीट पे बैठा लाया आपको तारिक भाई हमारे वरिष्ठ नेता हैं इनको मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूं अभी इन्होंने कहा कि एसी वाली बात अभी तक इनके समझ में नहीं आई जी आपने देखा होगा गौरव भाई तो कवर कर रहे थे जी आजमगढ़ का उपचुनाव जब हुआ था तो सबसे ज्यादा मेहनत कौन किया था आप लोगों ने देखा होगा माननीय प्रकाश राजभर जी ने 10 दिनों तक वहीं रह करके काफी मेहनत की और अखिलेश यादव जी एक बार झांकने भी नहीं आए कि भाई साहब हमारे चुनाव लड़ बाहर भी गए तो इस बात को लेकर उन्होंने एसी की बात की थी ये उनका ये मतलब नहीं था किसी कमरे में आप ऐसे पहली चीज तो तारिक भाई को मैं ये स्पष्ट करूं दूसरी चीज अभी इन्होंने कहा कि एक विपक्ष कि एक कुर्सी और रखवानी पड़ेगी इनको बात करें आपको शायद मेरे भाई पता नहीं है कि कांग्रेस और बीएसपी के बाद से बड़ी पार्टी माननीय ओम प्रकाश राजभर जी की सुभाषपा पार्टी है लीजिए तो अब आप नहीं नहीं बिल्कुल आज उत्तर प्रदेश के अंदर बिल्कुल, उत्तर बिल्कुल। प्रदेश के अंदर इनसे ज्यादा विधायक है जी तो जाहिर सी बात है कि हमारा एक वर्चस्व है जी। और हम जब बात खड़े होकर के बोलते हैं विधानसभा में तो अभी विवेक भाई ने सही कहा हम पक्ष और विपक्ष दोनों ऐसा नहीं किसी के समर्थन में बोल रहे हो या किसी के विरोध में बोल रहे हैं हम जितनी बातें करते हैं वो न्यूट्रल बातें करते हैं जनता के हित की बात करते हैं जनता के अधिकार की बात नहीं इनको इनकी आदत नहीं सुनने की ना इनको सिर्फ बोलने की आदत है सुनने की आदत कहाँ है नहीं नहीं बुरा नहीं तारीख बड़ी पार्टी जो दो राष्ट्रीय पार्टी को यूपी में पीछे करके आगे हुई है आप ऐसी पार्टी को कह रहे हैं कि उनके लिए एक और जवाब दे दूंगा गठबंधन मतलब शादी अच्छा ठीक है गठबंधन मतलब शादी टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट हुआ मेरा सुभाषपा से अच्छा तो कश्मीर से पीडीपी आएगी हमारे लिए प्रचार कर दे अच्छा नहीं लेकिन हक तो आपको भी था ना सुन तो लीजिए साहब सुन तो लीजिए आप ही आप ही के सांसद एक सेकंड तो आपको आपको आप जो ये कहते हैं गौरव भाई सुनिए तो सुना लीजिए आपकी ये बात मुझे समझ में नहीं आती कि सबसे ज्यादा हम प्रचार कर रहे थे आजमगढ़ जब चुनाव हो रहा था उपचुनाव में मैं कह रहा हूँ कि मेरा न शिवसेना से गठबंधन था उत्तर प्रदेश में न पीडीपी से था जब आपसे तो आप ही प्रचार कर नहीं अगर हम और आप एक साथ हैं तो बराबर मेहनत तो करनी चाहिए भाई मैं कह रहा हूं जाकर के मेहनत कर रहा हूं और आप बैठे हुए हैं तो जाहिर सी बात है हारने के लिए मैं दिन भर मेहनत करूं और मेरा पार्टनर घर बैठा रहे तो जाहिर सी बात इसमें अजीब बात बस इतनी लगती है कि आप कह रहे हो कि मैं बहुत ज्यादा मेहनत कर रहा था जब बिल्कुल मेहनत कर भाई आपसे जब शादी हुई कॉन्ट्रैक्ट हुआ हाँ। तो आप नहीं करोगे तो पीडीपी करेगी नहीं तो क्या आपका हक नहीं था आपत्ति है पहली बात शादी हिंदू धर्म में पवित्र बंधन है बिल्कुल सही बात वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं है कॉन्ट्रैक्ट आपके निकाह में हो सकता है पहली बात ये शब्दावली का प्रयोग ना करें गठबंधन आपका पार्टी के नियम शर्तें होती है कॉमन मिनिमम एजेंडा उसके अकॉर्डिंग गठबंधन होता है गठबंधन का पराया शादी मत बनाए जवाब सुन लीजिए आप कॉन्ट्रैक्ट आपका निकाह में होता है शादी में माना कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता जन्म जन्मांतर का संबंध होता है गठबंधन ये शब्द दो पार्टनर अगर सुभाषपा के अध्यक्ष नहीं उठाए दो पार्टनर अभी मेरा जो है तलाक नहीं हुआ है या शादी की बात इस संदर्भ में बात करना सुभाष ने देना है आप जानिए वो जाने लेकिन विषय ये अगर दो पार्टनर दोनों पार्टनर मिलकर के अगर काम करते हैं अब आप अपनी नाकामी को इन तरह के शब्दों के आड़ में छिपाना चाहते हैं तो ये आपकी फितरत है सुभाषपा के अध्यक्ष ने जो कहा अपनी मजबूरी का अपनी मेहनत
उसके बाद अगर प्रणाम भी प्राप्त हुआ उन्होंने कहा, बात जुगलबंदी की नहीं है। आप इधर इधर है, आप अपनी नाकामी को सिस्टम नहीं शब्द जालों के पीछे मत छिपाइए। और गठबंधन अलग शब्द है, शादी अलग शब्द है, शादी एक पवित्र शब्द है हमारे धर्म में। इस बात से मुझे आपत्ति है, हर धर्म में पवित्र है, आप इस बात को मत कहिए। ये वो ऐसी की उस बात को लेकर चल रहे हैं, वो ऐसी ने कहा था पार्लियामेंट में कि हमारे यहाँ विवाह कॉन्ट्रैक्ट है। ठीक है, आपके विवाह कॉन्ट्रैक्ट होगा, हमारे यहाँ विवाह कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। ठीक है, वैसी की बात को लेकर चलिए। ठीक है, बोलिए बीर भाई, आपको जी आपको लेके जाएंगे, आपको तो एसी की बात कोई दिक्कत तो नहीं है, आप लोग जाएंगे संग में? देखिए, एसी की बात को तो हमारे सुभाषपा के भाई ने बता दिया कि हमारा कहने का अभिप्राय ये था, एसी का अभिप्राय ये नहीं था, तो वो बात तो स्पष्ट हो गई। आप कहिएगा, नहीं तो आप अलग हो जाएंगे। बता दे रहा हूं, अब इस पर चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है, हमारे साथी ने वो बात अपनी स्पष्ट कर दी। हमारा समाजवादी पार्टी से गठबंधन है, हम उनके सहयोगी हैं, वो हमारे सहयोगी हैं, दोनों लोग साथ मिलकर के चुनाव लड़ेंगे। सब जगह प्रचार करने जाएंगे नहीं जाएंगे? सब जगह प्रचार करने जाएंगे नहीं जाएंगे? प्रचार करने जाएंगे, और जहां जहां प्रचार, ये डिबेट ऐतिहासिक रहेगी अमर भाई, मैं भला जगह डिबेट ऐतिहासिक रहेगी, मैं सबको याद दिलाऊंगा। अरे वो नहीं जाएंगे, कहां जाइएगा मेरे जी? और मैं आपको याद दिलाऊंगा कि मैं भला भला जगह प्रचार करने जा रहा हूँ। जी, प्रवक्ता भाजपा कुछ बोल रहा है, विवेक भाई कुछ बोल रहे हैं। वेद जी, वो ले ही नहीं जाएंगे, क्यों परेशान है आप? अच्छा, लेके नहीं जाएंगे आपको बता रहे नहीं ले, ऐसा है मेरे भाई जी, वो हमको हर जगह ले जाने को तैयार है, आप उसमें क्यों रोड़ा डाल रहे हैं कि उनको नहीं ले जाएंगे? हम नहीं डाल रहे, हम तो आपको आपका इतिहास याद दिला रहे हैं। जब मुलायम सिंह जी ने विधानमंडल की बैठक में अजीत यादव अजीत जी को दौड़वा दिया था, हम तो इतिहास आपको याद दिला रहे हैं। बचे रहिए, कहीं आप पूरे दौड़ के भाग ना जाइए। मैं पूरी बात नहीं, सब जगह ले जाने को तैयार हैं, हम सब जगह जाने को तैयार हैं। वो हमारे यहाँ सब जगह जाएंगे, हम उनके यहाँ सब जगह जाएंगे, हमारा कोई बंटवारा नहीं, हम पूरे प्रदेश में एक साथ रहेंगे। जी वेद जी, हम आपको इतिहास याद दिला रहे हैं। एक बार मुलायम सिंह जी विधानमंडल दल की बैठक में थे, अजीत जी को दौड़ा लिया गया था, कहीं आपको भी न दौड़वा दिया जाए, सावधान रहिए। अगर हम आपको 2014 के पहले की याद दिलाएंगे तो फिर इतिहास लंबा हो जाएगा, लंबा ही हो जाएगा, बड़ी हो जाएगा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, लंबा हो जाएगा। तो ऐसा है, गठबंधन मजबूत है, यहाँ पर पूरी मोहब्बत है, बिल्कुल। कितने लोग दौड़ाए गए, उनकी क्या क्या दुर्गति हो गई, ये भी हमको अच्छी तरीके से मालूम है। विधानमंडल दल की बैठक से नहीं दौड़ाया, लेकिन अगर ठीक है अपना इतिहास याद कर लीजिए वेद जी, थोड़ा सावधान रहिए, सावधान रहिए, बचे रहिए, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ। भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी में ये जो नूरा कुश्ती होती है, ये पूरा देश और पूरा प्रदेश जानता है। अच्छा, आपको याद होगा कि माननीय मुलायम सिंह जी ने भी कभी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कोई धरना आंदोलन प्रदर्शन नहीं किया। अच्छा, पिछले 6 साल से भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में सरकार है जी। और अखिलेश जी ने कोई बहुत मजबूत धरना प्रदर्शन नहीं किया, विशेष उस समुदाय जो इनको पूरी तरीके से भरपूर सहयोग करता है उसके किसी विधायक विधानसभा के सदस्य तक के लिए नहीं किया। आप मुसलमान जी छोड़ दीजिए, और आज जिस राहुल गांधी से नफरत है उसी राहुल गांधी के लिए 17 में इन्होंने नारा दिया था और पूरे पूरे पेज के विज्ञापन दिए थे अखबारों में कि यूपी को ये 7 पसंद है। तो आखिर मेरा सवाल ये है समाजवादी पार्टी से कि आज इनको इतनी नफरत क्यों है, क्या कारण है इनकी नफरत का? उसके कारण भी राजनीति है, राजनीति है, यही मैं जानना चाह रहा हूँ आज इसका कारण कहीं लगाओ कहीं अलगाओ। हाँ, आज इनके ऊपर इनकी पार्टी के किसी जितने भी मुखिया आया, मुखिया से लेकर जो परिवार के लोग हैं, किसी में कोई मुकदमा नहीं है, सब क्लीन चिट इनको मिल चुकी है। तो ये क्या है, ये पूरे प्रदेश की जनता देख रही है और इसका जवाब 2024 में इनको भरपूर तरीके से मिले। ठीक है, ठीक है, आप सभी मेहमानों के कार्यक्रम में जुड़ने के बहुत धन्यवाद। चर्चा थी 24 चुनाव को लेकर, चर्चा थी बयानों को, चर्चा थी यहाँ पर 80 सीटों की जीत को लेकर, सपा का अपना दावा, बीजेपी का अपना और तमाम पार्टियों का अपना। फिलहाल जीत किसकी होगी ये जनता जनार्दन जानती है और आने वाले समय में स्पष्ट हो जाएगा। पर एक बात तो साफ है, रणनीति बेहतर है, मेहनत हो रही है, चर्चा हो रही है और शायद यहाँ पर रणनीति भी बनाई जा रही है बहुत तरीके से।
पर सबसे महत्वपूर्ण बात है कि रणनीति अगर धरातल पे होगी, संघर्ष धरातल पे होगा, और अगर वास्तव में जनता के मुद्दों पर अगर लड़ाई होगी तो शायद जनता यहाँ पर कुछ ऐसा जनाधार भी देगी जो वास्तव में लोगों को विस्मित कर देगा, और अद्भुत जनाधार यहाँ पर मिल सकता है। ये वही लोकतंत्र है जहाँ पर सरकारें बदली है, ये वही लोकतंत्र है यहाँ सरकारें छीन ली गई है, ये वही लोकतंत्र है जो स्पष्ट करता है कि अगर आपने जनता की सुनवाई नहीं की, अगर आपने जनता का ध्यान नहीं रखा तो जनता आपको कुर्सी से उखाड़ फेंकती है। पर लोकतंत्र के पीछे आपको ये भी जानना पड़ेगा कि यहाँ पर भूमिका अगर सत्ता पक्ष की है तो यहाँ पर भूमिका विपक्ष की भी है। भूमिका निर्वाह करते रहिए तभी बदला होगा, अन्यथा परंपरा चल रही है वो चलती रहेगी। अब आने समय वाले समय में 24 में हैट्रिक बीजेपी की होगी या बदला होगा वो फिलहाल भविष्य के घर में निहित है, पर एक बात तो स्पष्ट है जो लड़ेगा जो टिकेगा वही जीतेगा। तो आज की चर्चा में इतना ही, नमस्कार। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।